हाँ तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का, ठीक है, गणित का अध्याय 1। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ठीक है भाई। संख्या पद्धति, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं भाई संख्या पद्धति। इसके अंदर देखो भाई, ये है संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा में क्या होता है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, समझने के लिए भाई, ठीक है। इस साइड में सारे के सारे डिजिट किस में होंगे, प्लस में, 4, 5, 6 सबके सब प्लस में होंगे। और इसके विपरीत तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सभी संख्याएं माइनस में होगी, ठीक है, बीच में मूल बिंदु 0, ठीक है भाई। और जो ये बटे में होती है, भिन्न में होती है, जैसे 1/4, 1/2, ये सभी क्या होंगे भाई, 0 से लेकर के 1 के मध्य में, इसके बीच में रहेंगे। और इधर क्या होगा भाई, 0 से लेकर -1 में, जैसे -1/4, -1/6, ये सभी के सभी इस बीच में रहेगी, इसके अंतराल में, ठीक है। ये थोड़ी सी भूमिका है भाई, ये समझ लो। उसके बाद हम आ रहे हैं भाई एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा तुरंत जल्दी जल्दी में। यह भाई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। इसके अंदर सभी संख्या तो नजर आएंगे, लेकिन 0 नजर नहीं आएगा भाई इसके अंदर, ठीक है, 0 नहीं होगा इसके अंदर। ये सभी प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसके अंदर 0 कहीं पर नजर नहीं आएगा। मतलब वह संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, वो सभी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या है। और इनको एन से डिनोट किया जाता है भाई, नेचुरल नंबर, ठीक है। इनके बाद आता है होल नंबर, यह भाई होल नंबर, ठीक है भाई, इसको कहा जाता है पूर्णांक, ठीक है भाई, पूर्ण संख्या। इसके अंदर क्या भाई, सभी संख्याएं तो है, लेकिन साथ में क्या इंक्लूड किया जा रहा है भाई इसके अंदर, 0, ठीक है। जब 0 इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये होल नंबर। इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई डब्ल्यू से, ठीक है। फिर पूर्णांकों की बात करते हैं भाई इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या होता है भाई, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई एक प्राकृतिक संख्या होती है जो कि 1, 2, 3, ठीक है, इसके अंदर 0 नहीं होता, ठीक है भाई, इसको क्या कहा जाता है भाई, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने होल नंबर, इसके अंदर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा चलते चले जाती है, ठीक है भाई, पूर्ण संख्या। अब आते हैं पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर क्या है भाई, 0 तो इसमें पहले से ही है, प्लस की संख्या भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या और इंक्लूड की जा रही है भाई, ये सभी माइनस वाली संख्याएं भी डाल दी जा रही है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाता है भाई, माइनस की संख्या भी है, ठीक है, 0 भी है और प्लस की भी संख्या, मतलब तीनों संख्याएं मिक्स हो गई। अब क्या बन जाता है भाई, ये अब ये बन जाता है इंटीजर, ठीक है, पूर्णांकों। अब इसके अंदर इसको कहा जाता है जेड से, ठीक है भाई, जेड से कहा जाता है इसको, -5, -6, -4, ठीक है, और 0, 1, 2, 3 ये सभी के सभी आ जाती हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिलता है भाई रैशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होती है जिनको हम बटे में लिखते हैं, जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। ध्यान रहे, क्यू को कभी भी 0 मत लिखना भाई, ठीक है, क्यू जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है भाई 0/7, 0/1, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा भाई, ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। जैसे पेपर में नंबर मिलते हैं ना भाई, 100 में से 0, ठीक है, कभी ऐसा होता है भाई 0 नंबर में से 100 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसे याद रखना, इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर परिमेय संख्या, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है, ठीक है भाई। जो महत्वपूर्ण था बता दिया, ये एग्जाम्पल्स है, इन्हें पढ़ लेना भाई, ठीक है। मैं आता हूँ एक्सरसाइज के पीछे का, ज्यादा समय ना खराब करते हुए, प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1।
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या ये आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? देखो भाई अभी मैंने लिख के दिखाया था भाई, ठीक है उसी रूप में लिख देना भाई, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो यस हाँ ये परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन खत्म। इसके बाद सेकंड पे, तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। इनके बीच में क्या करनी है? छह परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तीन और चार के बीच में, ठीक है भाई। तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। इसको करते हैं हम, आप अपनी किताब भी साथ में खोल के रखें, तीन और चार के बीच में, तीन और चार के बीच में कितनी? छह परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम भाई परिमेय संख्या को, ठीक है भाई, छह परिमेय संख्या बतानी है हमें, ठीक है। देखो छह परिमेय संख्या के परिमेय संख्या को लिखते कैसे हैं? पी बाय क्यू के फॉर्म में, ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे तीन बटे में एक, और इसको लिखेंगे भाई चार बटे में एक। अब हमें छह परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में सात से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे छह निकालनी है तो सात से, सात निकालनी है तो आठ से, दस निकालनी है ग्यारह से, सात या इक्कीस, सात एकम सात, ठीक है। उसी तरीके से अगले में सात चौक अट्ठाईस, सात एकम सात, ठीक है भाई। हमने इसको इस रूप में बदल दिया, हाँ। तो देखो ऐसे ही यह आया, इक्कीस बटे में सात, अट्ठाईस बटे में सात। अब इनके बीच की संख्याएं देखो कितनी हो सकती है, इनके बीच में निकलेंगे इक्कीस के बाद भाई बाईस बटे सात, तेईस बटे सात, चौबीस बटे सात, पच्चीस बटे सात, ठीक है, इसके बाद छब्बीस बटे सात, सत्ताईस बटे में सात, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ, छह परिमेय संख्या निकालने थे हमने, छह के छह परिमेय संख्या निकाल दी, ये हमारा होगा भाई आंसर। बस इतना सा कार्य होता है भाई परिमेय संख्या निकालने में। एक और एग्जांपल देते हैं भाई अपनी तरफ से कोई, उसके अंदर परिमेय संख्या निकालनी। देखो भाई एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि मान लो सात और आठ, इनके बीच में हमें पांच परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है भाई। इनके बीच में पांच परिमेय संख्या, पांच परिमेय संख्या। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले सात बटे में एक, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक होता है भाई। हमें निकालनी कितनी है भाई? पांच परिमेय संख्या, ठीक है भाई, पांच परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम छह से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, सात छह बयालीस, छह, ठीक है। इसी प्रकार आठ बटे एक को छह से गुणा करेंगे, ठीक है भाई। छह से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पांच परिमेय संख्या निकालनी है। आठ छह अड़तालीस, ठीक, छह कम छह। अब शुरू करते हैं भाई इनमें आंसर लिखना। बयालीस के बाद तिरालीस बटे में छः, चौवालीस बटे में छः, पैंतालीस बटे में छः, छियालीस बटे में छः, सैतालीस बटे में छः। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है भाई, पाँच निकालने थे, हमने पाँच निकाल दी। इस प्रकार हमारे को जिस भी प्रकार की संख्या दी जाएंगी हम परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है भाई। और अपने तरफ से कुछ एग्जांपल्स करना, चलते हैं भाई अब अगले प्रश्न की ओर। हो गया भाई ये भी प्रश्न। अब आता भाई तीन बटा पांच और चार बटे पांच के बीच पांच परिमेय संख्याएं बताइए,
अब भाई पांच परिमेय संख्या निकालनी है हमें। चलिए निकालते हैं भाई, 3/5 और 4/5 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5, पांच परिमेय संख्याएं। पांच परिमेय संख्याएं जिस प्रकार अभी हम पीछे वाले प्रश्न करे थे उसी प्रकार से करेंगे। 3/5 गुणे में पांच परिमेय संख्या है तो हम 600 गुणा करेंगे। 600, 6 3 18, 6 5 30, ठीक है भाई। 6 3 18, 6 5 30। नेक्स्ट 4/5 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है भाई। ये 6 कहाँ से ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें पांच परिमेय संख्या निकालनी है इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 24, ठीक है, यहाँ आएगा 30। ये ध्यान रहे दोनों के डिनोमिनेटर जो होते हैं भाई हर जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। अब इनके बीच की परिमेय संख्या 18 के बाद 19 बटे में 30, 20/30, 21/30, ठीक है भाई, 22/30 और 23/30, ठीक है भाई। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। पांच परिमेय संख्या निकाल ली गई। इसका भी एक और अतिरिक्त उदाहरण देखते हैं। पांच बटे दो और 6/2, ठीक है भाई। ये कट हो सकता है लेकिन हम इसे कट नहीं करेंगे भाई, ठीक है। साधारण रूप में हमें कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद बाकी और इससे भी ऊंचे लेवल का प्रश्न हल करेंगे। इनके बीच में हमें मान लो 3 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। पांच बटे में दो गुणा तीन, 3 4, ठीक है। हमें तो 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम 4 से गुणा करेंगे। 4 नीचे 4, 5 6 20, 4 2 8, ठीक है। इसके बाद आता है भाई 6/2, इसको भी गुणा करेंगे 4 से, छ 24 4 2 8, ठीक है भाई। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी थी, 21/8, 22/8, 23/8, ठीक है भाई। 3 परिमेय संख्या हमने निकाल दी, ठीक है भाई। प्रथम सवाल ये भी भाई, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ट्रू फॉल्स है भाई, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्याएं होती है। अच्छा, और प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो समझो। 1 2 3 4, ठीक है भाई, ये होती है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 0 1 2 3 4 5, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है भाई। अब इनमें देखो,
कि भाई पूछा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सारी होती है भाई। देखो देखो कैसा कैसा होता है, देखो एक इसमें आ गया, दो भी है तीन भी है, तो इसका हो जाएगा भाई यस, पहले इसका हो जाएगा भाई ट्रू। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है तो नहीं है भाई। देखो कैसा नहीं है भाई, सबसे पहले पूर्णांक को समझ लो। पूर्णांक क्या होता है भाई, -5 या -10 या -2, माइनस वाले और जीरो और प्लस के भी कुछ संख्याएं, और जो पूर्ण होते हैं भाई, पूर्ण पूर्ण जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3। तो इसमें कहा गया है भाई प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांक कहाँ से आएगा भाई, माइनस के कुछ है इसके अंदर, नहीं है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है भाई, रॉन्ग राइट। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी हो जाएगा भाई फॉल्स। ठीक है भाई, परिमेय संख्या क्या होती है भाई, p बटा q के रूप में होती है, मतलब जैसे कि 1/2, 5/7, ठीक है भाई, इस प्रकार से। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये बताएंगे भाई फॉल्स। ठीक है, ये आपका भाई 1.1 प्रश्नावली, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है भाई।